चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इस चैप्टर में वेरियस कुछ अलग अलग प्रोविजंस को फाइंड आउट करेंगे, और सबसे पहले थोड़ा फाइंड आउट करते हैं सेक्शन 189 को समझने से पहले आप इतना श्योर कर लीजिए कि 184 एंड 188 आपने पढ़ रखा हो। हालांकि इसके पीछे का चैप्टर है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उठ के आ जाइए इस सेक्शन को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सेक्शन जो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है रजिस्टर्स को। तो सेक्शन 189 रजिस्टर के बारे में कहते हैं कि उस रजिस्टर को मेंटेन कीजिए, जिस रजिस्टर को मेंटेन कीजिए और उसमें वो सारी बातें डालिए जो 184 से रिलेटेड है और 189 से रिलेटेड है। 184 का मतलब जिसमें डायरेक्टर ने अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर किया है, ठीक है ना। एक होता है ना, डायरेक्टर्स तीन बार इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर करते हैं, अपॉइंटमेंट के विद इन 30 डेज, जो बोर्ड मीटिंग हो रही है वो उसमें डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट के 30 डेज हर फाइनेंशियल ईयर की बोर्ड मीटिंग में, जो स्टार्टिंग की बोर्ड मीटिंग होती है उसमें करेंगे, और जब कभी भी इंटरेस्ट में वेरिएशंस आती है वहाँ पे करेंगे। तो और 188 में आपने देखा था 7 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ की जाए तो उसके लिए बॉन्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और समटाइम्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है। तो क्या ऐसा ट्रांजेक्शन्स कर लेने के बाद या इंटरेस्ट के डिस्क्लोजर कर देने के बाद क्या इन बातों को भूल जाएंगे या फिर इनको कहीं नोट करके रख लेंगे? तो यही कहते हैं, हाँ नोट करके रखना है आपको। 189 में एक रजिस्टर मेंटेन करनी है और उस रजिस्टर में ये सारी बातें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एवरी कंपनी शैल कीप वन और मोर रजिस्टर्स गिविंग सेपरेटली। एक तो 184(2) का मैटर और 188 का मैटर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर्स जिसमें डायरेक्टर्स जो है हर फाइनेंशियल ईयर में करते हैं डिस्क्लोजर, और नेचुरली जब उनका इंटरेस्ट वेरिएशन होती है उस वक्त भी अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर करते हैं। कैसे रखनी है? इन सच मैनर कंटेन सच पर्टिकुलर जो प्रिस्क्राइब्ड है, और आफ्टर एंटरिंग द पर्टिकुलर्स रजिस्टर्स सेल ओपे बी प्लेस्ड, नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब होगी तब वो रजिस्टर को प्लेस आउट की जाएगी उसमें और उसको प्रॉपरली साइन किया जाएगा डायरेक्टर्स के थ्रू। अच्छा, डिस्क्लोजर बाई डायरेक्टर एंड KMP, जो भी डायरेक्टर या KMP है, 30 दिनों के भीतर, अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के भीतर, और रिलिंक्विशमेंट मतलब ऑफिस छोड़ने के 30 दिनों के भीतर डिस्क्लोज करेंगे पर्टिकुलर्स जो स्पेसिफाइड है 184(1) में, अपने कंसर्न इंटरेस्ट रिलेटेड और सच अदर इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है। तो ठीक है भाई, ये तो बात हो गई एंट्री करने की, लेकिन ये रजिस्टर जो होगा वो हमेशा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी और बिजनेस आवर के दरमियान ये इंस्पेक्शंस के लिए ओपन है। एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं, मतलब इस रजिस्टर से अगर कुछ आपको लेनी है, कुछ एक्सट्रैक्ट्स लेना है, कॉपी लेनी है, फोटोकॉपी लेनी है, आप ले सकते हैं, और कॉपीज एज मे बी रिक्वायर्ड बाई मेम्बर कंपनी फर्निश करेंगे कंपनी को टू द एक्सटेंट इन सच मैनर एंड द पेमेंट ऑफ सच फीस जो प्रिस्क्राइब्ड है। रजिस्टर हमेशा जहाँ रखी जाएगी, रजिस्टर हमेशा कहाँ रखी जाएगी? इंस्पेक्शन के लिए रखी जाएगी, आपने ये देख लिया। और एक छोटी सी बात मैं अब इसमें से और लेके आ रहा हूँ, अभी आप इस पर ध्यान रखिएगा, रजिस्टर हमेशा कंपनी के जनरल मीटिंग में प्रेजेंट की जाएगी, और रजिस्टर टू बी केप्ट अंडर एंड सेल प्रोड्यूस्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, रिपेन ओपन एक्सेसिबल होंगे कॉन्टिन्यूस ऑफ मीटिंग में। और यहाँ पे एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ सर्कमस्टांसेस में सेक्शन 189 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप रजिस्टर नहीं भी मेंटेन करेंगे तो चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल सर्विसेज और वैल्यू जो भी है, अगर वो 5 लाख से ज़्यादा के एक्सीड नहीं कर रही है इन ईयर में, एक साल में, और बैंक की बैंकिंग कंपनी अगर बिल्स कलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में आप रजिस्टर मेंटेन मत कीजिए, मतलब ऐसी बातों की एंट्री मत कीजिए। छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स हो गई या फिर बिल्स कलेक्शन अगर बैंकिंग कंपनी का मैटर है तो, और अगर कंप्लायंसेज में डिफ़ॉल्ट हो रही है या रूल्स में डिफ़ॉल्ट हो रही है तो पेनल्टी है, और पेनल्टी कितने की है? 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी है, एक पेनल्टी जो कि 25,000 रुपये की पेनल्टी है। सो इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, दैट्स द पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़।
चलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर सेक्शन 190 को देखिएगा। अब देखिएगा एक और रजिस्टर है, उसमें कहते हैं कि एमडी होल टाइम डायरेक्टर दैट वाज और कंपनी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस करती है और कंपनी इनके बीच में एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होती है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए कहा गया अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर राइटिंग में हुई है तो उसकी एक कॉपी, और अगर कॉपी राइटिंग में नहीं है तो उसकी रिटन मेमोरेंडम। कभी कभी ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, सीधी रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर लिया, तो आपको इसकी भी कॉपी आपको रखनी है। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम जो भी है वो भी इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगी बाय कंपनी विदाउट फीस। और अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है इंस्पेक्शंस कराने में या मेंटेनेंस में डिफ़ॉल्ट हो रही है तो 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी अगेन, और जो एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के लिए फ़ाइन जो है वो 5,000 के लिए है। और सबसे रेलिवेंट फैक्टर आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये प्रोविजन्स जो हैं प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन टू द प्राइवेट कंपनी, ठीक है। नाउ अब जरा एक चीज को ध्यान से देखिए, सेक्शन 191, और सेक्शन 191 सिंपली सेज दैट द पेमेंट ऑफ टू डायरेक्टर्स फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग। सपोज करो अगर मैं एक बड़ा सिंपल सी बात आपको समझाता हूँ, एयर इंडिया है। अच्छा, एयर इंडिया ने तो विस्तारा को एयरलाइंस ट्रांसफ़र किया, दैट्स तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन चलो सहारा है, हालांकि थोड़ी पुरानी बात हो गई, सहारा ने जो अपनी एयरलाइंस ट्रांसफ़र किया था जेट को, एयरलाइंस की बिजनेस ट्रांसफ़र कर दी, जेट को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। सहारा ने अपनी एयरलाइंस की बिजनेस जेट को ट्रांसफ़र कर दिया, मीन्स नाउ इट इज सहारा एयरलाइंस इज ऑन्ड बाय जेट एयरवेज। और अब तो खैर जेट भी नहीं है, जेट लाइट नहीं है, लेकिन चलो हम कोई भी मान लेते हैं दैट वॉच। अब क्या होता है ना कि इसमें जो डायरेक्टर्स थे, सपोज करो इन तीनों डायरेक्टर की ऑफिस ख़त्म हो गई, लॉस्ट हो गई, मतलब जेट ने इसको अपने यहाँ डायरेक्टर इनको नहीं बनाया, तो क्या इनको लॉस ऑफ ऑफिस की कॉम्पनसेशन मिल सकती है? बस अब यही पढ़ना चाह रहे हैं। देखते हो ना आजकल कई मर्जर अमेलगमेशन का दौर चल रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की सारी शेयर एक्वायर कर रही है, एक्वायर कर लेने के बाद दूसरी कंपनी में कुछ खास बचता नहीं है, तो उस कंपनी के जो स्टाफ्स एम्प्लॉयज होते हैं अब दूसरी कंपनी ने ले लिया उसको। नाउ द क्वेश्चन कम्स, जिनको नहीं लिया, अगर मान लो डायरेक्टर को नहीं लिया, तो क्या उनको ऑफिस लॉस की कॉम्पनसेशन मिल सकती है? तो सेक्शन 191 उसी के मुद्दे पे है, तो सिंपली कहता है नो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मतलब इनके बारे में, सेल इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, जैसे इसकी अंडरटेकिंग एयरलाइन जेट को गई, ट्रांसफर एनी टू एनी पर्सन ऑल और एनी ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी बीइंग ट्रांसफर रिजल्टिंग, इनके सारे शेयर्स इनको मिले होंगे, दैट वॉज बींग ए ट्रांसफर रिजल्टिंग एन ऑफर मेड टू द जनरल पब्लिक, जनरल शोल्डर्स, ऑफर मेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर बॉडी कॉर्पोरेट विद ए व्यू टू कंपनी बिकमिंग सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, शेयर ट्रांसफर्स की ऑफर आ रहे हैं, ऑफर मेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल विद अ व्यू टू इज ऑप्टेनिंग द राइट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एक्सरसाइज नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ द जनरल मीटिंग और एनी अदर ऑफर विच इज कॉन्डिशनल ऑन द एक्सेप्टेंस। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फिर से मैं आपको बता दूँ, एक्स लिमिटेड है,
इसकी शेयर्स ट्रांसफ़र हो रही है या अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र हो रही है और कुछ भी हादसा हो रहा है, मेन रिजल्ट ये है कि ये जो डायरेक्टर था उसकी ऑफिस लॉस हो गई और कंपनी वांट्स टू पे हिम द कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। कैन द कंपनी पे? तो यहाँ कहते हैं अगर वो रिसीव कर रहा है कॉम्पनसेशन ऑफिस लॉस के लिए, तो जो भी पर्टिकुलर्स है, डिटेल है प्रपोज्ड कॉम्पनसेशन का, वो डिस्क्लोज की जाएगी मेंबर्स ऑफ कंपनी को और प्रपोजल कंपनी के जनरल मीटिंग में अप्रूव भी करवाया जाएगा। तो मेंबर को डिस्क्लोजर होगा जो भी कॉम्पनसेशन मिला, और उस प्रपोजल को जनरल मीटिंग में अप्रूव भी करवाना पड़ेगा। अब अप्रूवल किस चीज़ से करवानी है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से करवानी है या स्पेशल रेजोल्यूशन से करवानी है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब इसका जिक्र नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास कर लीजिए, एनफ कंप्लायंसेज है। सही है, दैट वॉज नॉन एप्लिक नॉट एप्लीकेबल टू एमडी होल टाइम मैनेजर। अच्छा, अगर पेमेंट हो रही है ए कंपनी टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर ऑफ द कंपनी, दैट वॉज, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक लिमिट तक पेमेंट होती है तो एप्लीकेबल नहीं है। और जो भी अमाउंट अगर बिना रेजोल्यूशन पास करवाए अगर उनको दे देते हैं और वो रखे रहते हैं, तो हम ये माना जाएगा कि वो सारे पैसे जो हैं वो ट्रस्ट में रखे गए हैं। मीन्स ऑल दैट अमाउंट शैल बी केप्ट इन द ट्रस्ट। उस सारे पैसे समझेंगे क्या कि वो सारे पैसे ट्रस्ट में रखे गए हैं। दिस दैट इज़ द मैटर विच वी हैव टू सी दैट यू नो। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। तो दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग, दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग, दिस वन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंट्रवेंशन, अगर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंट्रवीन्स कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, तो वो डायरेक्टर जो है पनिसिबल होंगे विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 और मैक्सिमम जो है 1 लाख। तो ये सब कुछ नॉर्मल सा प्रोविजन था और पेपर में बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, ना ही पूछे जाते हैं, लेकिन 192 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर ज़रा ध्यान रखिएगा। 192 क्या कहते हैं? ये कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग द डायरेक्टर। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको एक लेमेन की तरह समझा देता हूँ। पहले यहाँ समझिए, पहले इस सिचुएशन को समझ लीजिए, सेक्शन नंबर 192 इसको समझ लीजिए। ये कहते हैं नो कंपनी सेल इंटर इंटू अरेंजमेंट बाई एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी और ए पर्सन कनेक्टेड विथ हिम एक्वायर और एग्री टू एक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम द कंपनी। देखिए जरा ध्यान से, मान लो आपकी एक कंपनी है और एक डायरेक्टर है, सही है, ये कंपनी का डायरेक्टर है, सही है। तो ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, या फिर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है या फिर सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर है, इसके होल्डिंग कंपनी या फिर इसकी सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर है या फिर एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर है, सही है, ध्यान से देखते जाइए सिर्फ, और एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर है और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम है, पर्सन कनेक्टेड विथ हिम, हालांकि पर्सन कनेक्टेड विथ हिम को डिफाइन नहीं किया गया कहीं, सही है। तो कहता है कि ये एक्वायर नहीं करेंगे एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम द कंपनी, मतलब अगर इनको एक्वायर करना है एसेट्स, एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको समझ लीजिए पहले एक बार। कई बार होता है ना, डायरेक्टर कंपनी का बहुत ही बिगड़ा हुआ काम करवा देता है, कोई मर्जर करवा दिया, अमेलगमेशन करवा दिया, नहीं तो अब कंपनी उसको एसेट्स दे देती है, किस लिए भला? क्योंकि तुमने ये सारे काम करवाए हैं, बदले में कंसिडरेशन वो चीज़ है। द कंसिडरेशन इज नॉट द मनी हियर। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? अब जैसे सोच के देखो, कंपनी हवाई जहाज़ बना रही है तो एक डायरेक्टर को ऐसी हवाई जहाज़ पकड़ा दिया कि ये लो, तुमने बहुत मेहनत की है कंपनी के इस डील को फाइनल करवाने में, और बदले में डायरेक्टर ने कोई कैश नहीं दिया उसके उसके बदले में।
अच्छा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ही एसेट्स कोई बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें बेकार है, इनकम्बर्ड एसेट्स है जिसके ऊपर लाइबिलिटी ज़्यादा है, वो इनको दे दिया गया, इसने कंपनी को दे दिया। मतलब इनकम्बर्ड एसेट्स थी, लाइबिलिटीज बन रही थी, लाइबिलिटी कंपनी पे करेगी। तो वही कह रहा है कि भाई ये नहीं करना है, ना तो कंपनी एक्वायर करेगी ना डायरेक्टर एक्वायर करेंगे, जब तक प्रायर अप्रूवल शोल्डर का ना मिल जाए, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके शोल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सही है, दैट वॉज लेकिन अगर इफ द डायरेक्टर ऑफ कंसर्न पर्सन इज ए डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, मतलब हमारी कंपनी का डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर है, तो होल्डिंग कंपनी को भी ये अप्रूवल लेनी पड़ेगी शोल्डर की। मैं यहाँ भी एक फ्लो चार्ट है, जरा इससे भी समझा दूँ आपको ये चीज़ें। तो ये देखिए, अगर मैं ऐसे बताता हूँ तो यहाँ कहता है कि कंपनी एक्स लिमिटेड, अगर मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अरेंजमेंट्स नहीं करनी है, डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी पर्सन कनेक्टेड विथ एक्वायर्स बिल्कुल नहीं करना है, और करना तभी है जब ओआर पास हो जाए, और रिवर्स भी नहीं होगा, मतलब ये से भी नहीं होगा, मतलब डाउन, मतलब ना कंपनी डायरेक्टर को देगी ना कंपनी डायरेक्टर से लेगी, अरेंजमेंट हुआ है और उसके बदले में ये चीज़ मिल रहा है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास की जाए तो, ओआर पास की जाए तो, और सेम बात, डायरेक्टर कंसर्न पर्सन इज डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी अप्रूवल अंडर दिस सेक्शन ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाई पासिंग द रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग्स। यू नीड टू पास इवन द रेजोल्यूशन इन टू द जनरल मीटिंग एज वेल, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी रिक्वायर्ड एंड वेरी रेलिवेंट मैटर विच वी गॉट देयर। सही है, दैट्स द थिंग विच वी हैव टू सी। चलिए, नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन बाई कंपनी होल्डिंग कंपनी जनरल मीटिंग्स में इंक्लूड होगा पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर इसको कैलकुलेट करेंगे। आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर सेक्शन याद दिला दूँ, 247 रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और कोई भी ऐसे अरेंजमेंट अगर आपने किया है इसको कॉन्ट्रवीन करते हुए, तो वो वॉइडेबल होगी एट द इंस्टेंस ऑफ द कंपनी, एट द इंस्टेंस ऑफ द कंपनी वॉइडेबल होगी। मतलब अगर बिना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किए अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वॉइडेबल होगी कंपनी के इंस्टेंस के ऊपर। रिस्ट्रिक्शंस, अब अनलेस रेस्टिट्यूशन अगर कर दे, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्टर कंसिडरेशन अदर देन कैश एसेट्स लिया था तो वो उसकी कैश पेमेंट कर दे, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ मनी कर दे, या अदर कंसिडरेशन जो सब्जेक्ट मैटर अरेंजमेंट्स का। लेकिन अगर रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है तो जो इंडेमनिटी होती है वो इंडेमनीफाई कर दे, मतलब लॉस पूरी कर दे। और अगर राइट एक्वायर किए गए बोनाफाइड फॉर वैल्यू और बिना नोटिस का, और उसको नोटिस नहीं था कि यह कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, मतलब एक जेन्युइन पर्सन, एक बोनाफाइड पर्सन है, तब ये ट्रांजेक्शन्स वैलिड है, अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं है। तो अक्सर जब मर्जर अमलगमेशंस होते हैं तो साइड कंसिडरेशंस बढ़े दिए जाते हैं, और उन्हीं साइड कंसिडरेशंस को रोकने के लिए हमारे पास ये पूरे के पूरे प्रोविजंस हैं, सेक्शन नंबर 192 एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पर्सन कंपनी। अब वन पर्सन कंपनी आप समझते हैं कि मेंबर एक होंगे, डायरेक्टर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर वन पर्सन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, ये लिमिटेड बाय गारंटी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रही है सोल मेंबर के साथ, मतलब एक मेंबर है तो सोल मेंबर ही होगा जो कि डायरेक्टर भी है, तो अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग इंश्योर करेंगे कि जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट का, ऑफर का, वो सब के सब मेमोरेंडम्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई है, मिनट्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई है, मिनट्स बुक में प्रॉपरली लिखी गई है, दिस वन। तो
तो आपको बस ये इंश्योर करना है, ये कब लग रहा है, जब एक ही डायरेक्टर है कंपनी में और मेंबर वही मेंबर है वही डायरेक्टर है। कंपनी इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को जो कॉन्ट्रैक्ट की है उसके बारे में विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ अप्रूवल। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म टू द ROC। और 194 एंड 195 अब ऑमिट हो गया, ये आपको नहीं करना है। तो मोर कंक्लूसिवली आई मस्ट लेट यू नो डैट सेक्शन नंबर 192 को प्रॉपरली कीजिए इस चैप्टर से, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।